ये जो धारा 370 और 35 था, ये जो सेपरेटिज्म का काम करती थी उसकी जननी थी, इसकी वजह से ही जो अलग सोच थी उसकी वजह से मिलिटेंसी होती थी और ये लोगों को उकसाते थे पथराव करने के लिए। और इसकी वजह से हमारी बेटियों और जो सफाई कर्मचारी हमने खुद लाए थे 70 साल से वो हमारी सेवा कर रहे थे, मगर उनके दादा उनके बच्चे आगे बच्चे सिर्फ सफाई का काम कर सकते, उनको कोई राइट्स नहीं था कि कोई और नौकरी करे। और गोरखा समाज जिसको हमने खुद महाराजा हरि सिंह जी ने लाया था, उन्होंने जम्मू कश्मीर को तिब्बत तक पहुंचाया, मगर उनको भी जहां रहने का कोई हक नहीं था। और हमारे जो वाल्मीकि समाज हो गया, इनको किसी को कोई हक नहीं था। इस अभिशाप धारा हटने से उन सबको अपने अपने हक मिलेंगे। एक आर्मी वाला आज का दिन एकात्मता दिवस के रूप में हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि जिस तरीके से 370 और 35 ने पिछले 70 वर्षों में एक अलगाव की दीवार का काम किया, एक कहीं ना कहीं जिसने अलगाव को बहुत प्रोत्साहन किया, परंतु अब वो टूटने के बाद, वो खत्म होने के बाद, अब आम जनमानस जिसका मानवाधिकारों का हनन हो रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो गुरखा समाज के बंधु हों, चाहे वाल्मीकि समाज हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे दलित और हमारे सिख समुदाय के भाई हों, अब उनके सभी जो मानवाधिकार हैं उनको मिलेंगे। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, वंदे। खुशी का मौका है तो सबसे ज्यादा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज के लिए, जिनको 70 सालों के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर ने एक दृढ़ निश्चय लेकर धारा 370 और 35 को खत्म किया। और जो तीनों कैटेगरी के लोग जो पिछले 72 सालों से जहां जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, मैं वेस्ट पाकिस्तानी की बात करता हूं, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहाँ खरा, भाजपा तो खरा ही खरा उतरी है भाई साहब। जिन लोगों को आप इसके अगर फायदे गिनाएंगे तो एक सबसे बड़ा फायदा है कि हिंदुस्तान के सारे कानून यहाँ लागू हो गए हैं, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा है कि जो सत्ता सेपरेटिस्टों के हाथ में थी शुरू से ही, ये धारा 370 सेपरेटिज्म के कारण शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को फुसला करके इस को लाया था, वो सेपरेटिज्म आज समाप्त। सेपरेटिज्म की आप बात करेंगे, उस यासीन मलिक को जिसको इन्होंने हीरो बनाया था, उस यासीन मलिक को दोबारा से अरेस्ट किया गया और उसके सारे वो हत्या के केसे, उसके सारे वो अगवा के केसे खुल गई हैं। इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है? शबीर शाह और आसिया अंद्राबी को जिनको इन्होंने अपने दामाद बनाकर रखा हुआ था, उनको फिर से तिहाड़ जेल में बंद किया गया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? NIA ने सभी हवाला के एजेंट्स को पकड़ कर उनके अंदर